कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आज हम पढ़ेंगे एलसी ओसिलेशंस। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एलसी ओसिलेशंस। अब दो ही टॉपिक रह गए हैं, एक है एलसी ओसिलेशन और एक है ट्रांसफॉर्मर। एलसी ओसिलेशन आज पढ़ेंगे और फिर रह जाएगा ट्रांसफॉर्मर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक एलसी ओसिलेशंस। एल एंड सी इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर कैन स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस टू कंपोनेंट्स लाइक दिस। दिस इज कैपेसिटर एंड हियर वी हैव इंडक्टर एल, दिस इज कैपेसिटर सी। इनिशियली दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इट मीन्स चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू जीरो। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू एम, राइट। व्हेन वी कंप्लीट दिस सर्किट देन व्हाट विल हैपन? करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट, दिस वे करंट विल फ्लो। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट आई एम टेकिंग आई, सो एट टी इज इक्वल टू जीरो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू एम एंड दिस वे करंट इज फ्लोइंग। बट व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज, चार्ज यहाँ पे कम होगा। एंड रेट ऑफ करंट फ्लो थ्रू दिस सर्किट विल इंक्रीज, इट मीन्स एज टाइम पासिस चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इंक्रीजेस, राइट। कुछ समय तक ऐसा होगा, यहां पे चार्ज कम होता जाएगा और यहां पे करंट बढ़ता जाएगा, राइट। देयरफॉर वी कैन से therefore di by dt is positive, di by dt is positive. Current increases with time, therefore di by dt is positive. If di by dt is positive, then here some emf will be induced. About inductor already we have studied in chapter number 6, याद हो तो जैसे करंट बढ़ता जाएगा तो ये उसका क्या करेगा? ओपोस। पर कौन ओपोस करेगा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो दिस विल बी द पोलारिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, देन फ्रॉम फिगर वी बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी
is less than potential at point A, VB is less than VA. And here, if we apply Kirchhoff's loop rule, then applying Kirchhoff's loop rule to the circuit, Kirchhoff's loop rule लगा दें तो यहाँ पे potential difference क्या बनेगा, Q by C। मान लो कोई एक टाइम T पे एट टाइम T चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट इज Q, सो Q by C। अब यहाँ से कैसे जाना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या बनेगा माइनस L डी आई बाय डी टी, क्या ठीक, माइनस L डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। बट इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज E इज इक्वल टू L डी आई बाय डी टी, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो माइनस L डी आई बाय डी टी। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्या ठीक। इक्वेशन तो ऐसा ही बनेगा, Q by C माइनस L di by dt इज इक्वल टू जीरो। सो हियर Q by C माइनस L di by dt इज इक्वल टू जीरो। हियर I इज इक्वल टू, व्हाट इज I, I दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट टाइम t, I इज इक्वल टू dq by dt, राइट, I इज इक्वल टू dq by dt, बट हियर इन दिस केस दिस I कैन बी रिटन एज माइनस dq by dt, बट I इज इक्वल टू माइनस dq by dt। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों, बिकॉज चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, चार्ज क्या हो रहा है कम होता जा रहा है टाइम के साथ, और di by dt तो क्या है पॉजिटिव, करंट तो बढ़ता जा रहा है, सो करंट दैट इज नॉट नेगेटिव, दिस dq by dt दैट इज नेगेटिव, तो ये मिलके क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, करंट दैट इज पॉजिटिव, देयरफॉर वी हैव टू कंसिडर I इज इक्वल टू माइनस dq by dt। आप सिंपली यहाँ पे I इज इक्वल टू dq by dt ले लोगे तो करंट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है टाइम के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा माइनस साइन, I इज इक्वल टू माइनस dq by dt। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर q by c माइनस L d by dt ऑफ I, I क्या बना माइनस dq by dt इज इक्वल टू जीरो, माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर q by c प्लस L d टू q by dt स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, क्या ठीक। डिवाइड अबो इक्वेशन, डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय L, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज q by L c प्लस d टू q by dt स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, राइट। देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस वन बाय एल सी इन टू क्यू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। क्या इक्वेशन मिला चार्ज के लिए, डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस वन बाय एल सी इन टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। क्या ये इक्वेशन देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा कुछ इक्वेशन हम पढ़े हैं स्टैंडर्ड 11 में, सर पढ़े तो होंगे, याद नहीं, याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लो, इसे लिख लो, फिर भी याद नहीं आता है तो हम आगे इस इक्वेशन को कंपेयर करने वाले हैं, स्टैंडर्ड 11 में एक इक्वेशन पढ़ा था उसके साथ, उसे कंपेयर करेंगे, पर उसे कंपेयर करें उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। सो हियर
दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज विल ऑसिलेट बिटवीन दिस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. यू कैन सी इनिशियली चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज मैक्सिमम. एज टाइम पासिस द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इंक्रीजेस. एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि ये कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो. तो ऐसी सिचुएशन भी आने वाली है. हियर दिस चार्ज एंड करंट विल ऑसिलेट. एक्चुअली इट इज ऑसिलेटिंग. दिस चार्ज एंड करंट बोथ आर ऑसिलेटिंग. देयरफॉर नेम ऑफ दिस टॉपिक दैट इज एलसी ऑसिलेशंस. इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं क्या, ठीक. करंट जीरो से मैक्सिमम होता है, फिर से घटेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ पे भी पोलारिटी चेंज होगी, पर वो सब पढ़ेंगे. पहले हमें इक्वेशन ऑब्टेन करना है कि चार्ज का इक्वेशन क्या बनेगा, करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, चार्ज जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, करंट जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसके इक्वेशन लाने हैं हमें. तो ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर वन हैज सेम फॉर्म एज दैट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. याद है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन पढ़े थे. इक्वेशन वन का जो फॉर्म है सेम फॉर्म एज दैट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. याद करो क्या फॉर्मूला था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बना था, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो. क्या यही इक्वेशन था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. स्टैंडर्ड 11 में हम पढ़े थे डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो. नाउ कंपेयर दिस टू इक्वेशंस. दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. हियर वी हैव एक्स दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड हियर दिस इज चार्ज. सो चार्ज इज एनालॉगस टू एक्स. हियर एक्स, हियर क्यू, हियर ओमेगा स्क्वेयर, देन हियर वन अपॉन एल सी. सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी कैन राइट ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी. देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी. दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज. ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी, क्या ठीक. तो ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है. याद करो ऐसा ही ओमेगा का इक्वेशन मिला था, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी. वो किसके लिए मिल रहा था, रेजोनेंस के लिए. यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो क्या है, वन अपॉन अंडर रूट एल सी. फॉर एल सी ऑसिलेशन ऑल्सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी. नाउ ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी, वैल्यू ऑफ ओमेगा इज अवेलेबल टू अस. वट इज़ द सोल्यूशन फॉर इक्वेशन टू. इक्वेशन टू का सोल्यूशन क्या था, याद करो इसका सोल्यूशन कैसा मिला था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट. डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो. फॉर देट द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. कैसा सोल्यूशन मिला था हमें. सो हियर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन That should be here instead of x, what should be right? Q. तो आ जाएगा Q. A, that is the maximum value of displacement. Here, what is the maximum value of charge? Qm. At time t is equal to 0, maximum value of charge. At t is equal to 0, Q is equal to Qm. Maximum value of charge. तो maximum value क्या थी charge की, Qm. Sin ओमेगा टी प्लस फेज फाइव.
अब फेज फाइव का आइडिया कहाँ से मिले? कुछ हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन है हमारे पास एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्यू। सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, बट एट टी इज इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्यू एम, देयर फॉर क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम साइन टी की जगह क्या रखेंगे जीरो प्लस फाइव। क्या ठीक? टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है क्यू एम मैक्सिमम वैल्यू, सो क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम साइन जीरो प्लस फाइव, सो क्यू एम विल गेट कैंसल, सो साइन फाइव इज इक्वल टू वन, देयरफॉर वी कैन राइट दिस फाइव मस्ट बी पाई बाय टू। साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए पाई बाय टू, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू वन, तो ये बनेगा फाइव इज इक्वल टू पाई बाय टू। चलो फाइव की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इस इक्वेशन में फेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें चार्ज का इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन 90 प्लस थीटा, 90 आएगा तो क्या होगा फंक्शन चेंज, 90 प्लस थीटा में साइन पॉजिटिव नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल वेरी विथ टाइम बिकॉज Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम। Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी, और इसका ग्राफ जो है टाइम के साथ कैसा मिलेगा सिन्यूसोइडल का, किसका फंक्शन है कॉस का, साइन और कोसाइन का होगा तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा सिन्यूसोइडल का। सो क्यू इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। चलो चार्ज का इक्वेशन तो हमें मिल चुका है, अब किसका इक्वेशन लाना है हमें इलेक्ट्रिक करंट का। अब आई का इक्वेशन हमें लाना है, तो आई का इक्वेशन लाना है तो क्या करें, बट आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई का इक्वेशन तो क्या था माइनस डी क्यू बाई डी टी बिकॉज चार्ज डिक्रीजेस विद टाइम, तो आई का इक्वेशन मिला माइनस डी क्यू बाई डी टी, और क्यू की वैल्यू है हमारे पास तो क्या बनेगा इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू एम कॉस ओमेगा टी। क्या ठीक? बट क्यू एम दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज फिक्स्ड, सो माइनस क्यू एम डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बने माइनस साइन, सो आई इज इक्वल टू माइनस क्यू एम दिस इज द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या है ओमेगा, तो माइनस क्यू एम ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, राइट? सो दिस कैन बी रिटन एज क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बोलोगे सर जैसे यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्यू एम लाएँ तो क्या यहाँ पे भी I इज इक्वल टू आई एम ला सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ला सकते हैं, तो ला सकते हैं साइन के साथ जो है उसे क्या बोल दो आई एम, तो इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन क्या बनेगा देयरफॉर I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। क्या बनेगा I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, वेयर आई एम इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज क्यू एम इन टू ओमेगा। क्या ठीक? समझ में आया? एकदम परफेक्ट। तो यहाँ से हमें चार्ज का इक्वेशन मिल चुका है और इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन मिल चुका है, तो एलसी ऑसिलेशन के लिए अगर आप लोगों को चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन लाने को बोले तो इस तरह से आपको ऑब्टेन करना होगा। अब ये टाइम के साथ कैसे ऑसिलेट करते हैं, एनर्जी कैसे ऑसिलेट होती है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, और कैसे एनर्जी ऑसिलेट करती है वो सब हमें सीखना है, पर वो अभी नहीं। पहले तो आप लोगों को क्या करना है, पहले तो आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। फ्रॉम दिस इक्वेशन Q इज इक्वल टू क्यू एम कोस ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इट इज क्लियर दैट करंट एंड चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम, इट मीन्स दे आर ऑसिलेटिंग।
Now, this oscillation will die after some time. Actually, but here we have considered ideal situation. हमने ideal situation consider की है. Here we have not considered any resistance of the inductor. हमने कोई resistance consider किया नहीं है. But उसका कुछ resistance तो होगा. उस resistance की वजह से ये एक oscillation जो है एक समय पे रुक जाएगा. ये continuously oscillation रहने वाला नहीं है. और ये charge, current, energy कैसे oscillate होते हैं time के साथ, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, अच्छे से देखना होगा हमें. पर उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. आज हमने इक्वेशन ऑब्टेन किए हैं, इसे अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करके रखना है, अच्छे से देख लेना है कि थियोरी में क्या क्या बना है, कैसे चार्ज चेंज हो रहा है, कैसे करंट चेंज हो रहा है. फिर हम यहाँ पर लाने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. समय के साथ ये एनर्जी कैसे ऑसिलेट कर रही है कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. और जो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एल सी इंटू क्यू, दैट इज एनालॉगस टू दिस. ठीक है, इसकी एनालॉगी हमने देख ली. फिर ये वन अपॉन सी किसके एनालॉगस है, एल किसके एनालॉगस है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है. पर वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आज मैं कराऊँगा तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. आज तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन को. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.